हेलो जय हिंद साथियों, मैं गौरव एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। हम स्क्वायर रूट चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे और आज की जो हमारी क्लास है चौथी क्लास है। इसके पहले इसकी 3 क्लास हो चुकी है। अगर आप उनसे वीडियो को नहीं देखें, सबसे पहले आप उनसे वीडियो को देखिए और उसके बाद आप इस क्लास को देखिए। आज हम अपना यह स्क्वायर रूट का जो चैप्टर है इसको हम कम्प्लीट करेंगे। और आज जो हमारे साथ नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों के यहाँ पर MTS का जो मैथ का पोर्सन है इसको चैप्टर वाइज कम्प्लीट करवाया जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए हम अपने इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इसमें जो हमारा सबसे पहला कंसेप्ट है कि पूर्ण वर्ग संख्या के परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अंकों का योग हमेशा 1, 4, 7 और 9 होता है। ठीक, यह आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि पूर्ण वर्ग संख्या बताओ और आपको 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से आपको पूर्ण वर्ग संख्या बताना होगा कि इसमें से कौन सी संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग होगा। ठीक, और जिस नंबर के अंकों का योग 1, 4, 7 नहीं होगा वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। और हमारा इसी में दूसरा कंसेप्ट है कि पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक, लास्ट इसका डिजिट 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता है। ठीक, कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम जो अंक होता है वह 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता है। ठीक, इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम इन्हीं दोनों कंसेप्टों का यूज केवल करेंगे। ठीक, क्योंकि आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा कि क्वेश्चन रहेगा हमारा कि इनमें से पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, और आपके पास 4 ऑप्शन दिया रहेगा और उसी में से आपको छाँट कर बताना होगा कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, कि उसमें जो आंसर सही होगा उसको टिक करेंगे। लेकिन आप इसी के बेस पर टिक करेंगे कि आपको यह याद होना चाहिए कि पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अंकों का योग हमेशा 1, 4, 7 या 9 होता है। ठीक, इन्हीं चारों में से एक होगा। और पूर्ण वर्ग संख्या का जो अंतिम अंक होता है वह 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। तो ये आपको दोनों याद होना चाहिए। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको देखो, यहाँ पर 6 दिया है। ठीक, और अगर इस क्वेश्चन का लास्ट अंक 2, 3, 7 और 8 होता तो इसको हम सीधे कह सकते थे कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन यहाँ पर इन चारों में से इसका लास्ट डिजिट नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहला वाला रूल लगाएंगे क्योंकि इनके अंकों का योग 1, 4, 7 और 9 होना चाहिए। तो चलिए हम इसके अंकों का योग करते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा 1, 6, 1, 7, 7, 2, 9 और 9, 7, 16। ठीक, और 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22। ठीक, और जब 22 को हम आपस में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4, कि इसका जो अंकों का योग है वह कितना आया है, 4। तो यहाँ पर 4 दिया है, तो इसका मतलब यह जो हमारा पहला क्वेश्चन है पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक, अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा यह क्वेश्चन दिया है कि 70,343। अब हम इसको चेक करेंगे क्या यह पूर्ण वर्ग है। सबसे पहले हम दूसरा वाला रूल देखेंगे कि यहाँ पर 2, 3, 7 और 8 इनमें से क्या कोई इसका लास्ट डिजिट है, तो यहाँ पर 3 है, तो इसे हम सीधे कह देंगे कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पर दिया है 6, 9, 0, 8, 2, 8। ठीक, और यहाँ पर हम डायरेक्ट पहले सबसे पहले दूसरा वाला नियम चेक करेंगे कि यहाँ पर लास्ट में 8 है, और किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो आखिरी अंक अगर 8 हो, कि 2, 3, 7, 8 हो, तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पर 8 दिया, तो इसका मतलब यह पूर्ण वर्ग नहीं है। अब आप इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर बताओ कि यह पूर्ण वर्ग है। अगर है तो यस लिखो, अगर नहीं है तो नो लिखो। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि 7, 8, 6, 3, 2 और इसके बाद 0। तो यहाँ सबसे दूसरा वाला जो रूल है कि 2, 3, 7 और 8 में से इसका जो लास्ट डिजिट है बस मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब अब हम यहाँ पर पहला वाला रूल लगाएंगे। यहाँ पर इसके अंकों का जोड़ 1, 4, 7 और 9 होना चाहिए, इनमें से कोई भी एक होना चाहिए। तो देखो ये हो जाएगा यहाँ पर 7 और 8, 15, 15, 6, 21, 21, 3 24, और इसके बाद 24, 2, 26। ठीक, यहाँ पर आ गया 8। ठीक, और पूर्ण वर्ग संख्या वही होगा जिनके अंकों का योग 1, 4, 7 या 9 होना चाहिए, लेकिन इनके अंकों का योग कितना है, 8 है, तो इसका मतलब यह पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक, अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर इसका लास्ट जो
अंक है या एक है, तो यहाँ पर लास्ट अंक 2 3 7 8 इनमें से कोई नहीं है, तो इसका मतलब अब हमें यहाँ पर पहला वाला रूल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये यह हो जाएगा 7 और 9, यह हो जाएगा 16, और 16 3 हो जाएगा 19, 19 2 हो जाएगा 21, 21 और 1 22, इन दोनों का आपस में जुड़ेंगे कितना आ जाएगा 4। यहाँ पर पहला वाला रूल लग रहा है, इसका मतलब जो इसका इसके अंकों का जो कितना आया 4, तो यह क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर 5 9 7 2 2 6, ठीक। यहाँ पर अगर हम देखें तो लास्ट वाला डिजिट 2 3 7 8 में से कोई नहीं है, इसका मतलब इसके हमें अंकों का योग यहाँ पर देखना चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले 5 और 9 हो जाएगा 14, ठीक। 14 और 7 ये हो जाएगा 21, 21 2 हो जाएगा 23, 23 2 हो जाएगा 25, और 25 6 हो जाएगा 31। इन दोनों को जब हम आपस में जुड़ेंगे कितना आ जाएगा 4, इसका मतलब यह भी एक पूर्ण वर्ग है, ठीक। आई होप आपको जो है कंसेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को समझते हैं, क्योंकि उससे एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। हमारे सामने 4 क्वेश्चन है, ठीक। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले आप इसको समझो, ये 841 का वर्गमूल दिया है 29, तो हमें इसका वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखें कि रूट के अंदर दशमलव है, ठीक। तो सबसे पहले दशमलव के स्थान पर लिखेंगे नहीं, सबसे पहले हम जो है दशमलव है इसको हम बाएँ से दाएँ ले जाएंगे, और कहाँ तक ले जाएंगे, एक के दाएँ, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 8 4 1 बटे में, यहाँ पर एक के स्थान पर लिखेंगे, दशमलव के स्थान पर लिखेंगे हम 1, और दशमलव के बाद इसको हम काउंट करेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम यहाँ पर 8 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब यहाँ पर 8 0 लगा देंगे तो जो है दशमलव है यह बाएँ से दाएँ चला गया, एक के दाएँ, ठीक। अब हम इसका वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। 841 का वर्गमूल दिया कितना है 29 बटे में, अब इसका हम 0 काउंट करेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस हम इसी का आधा कर देंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1, इसके बाद 4 0, यही हमारा हो गया आंसर। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे 29, ठीक। दशमलव यहाँ पर है कहाँ, दाएँ, और दाएँ से हम ले जाएंगे बाएँ, तो यहाँ पर कितना 0 है, 1 2 3 4, दशमलव हमारा यहाँ पे है, ठीक। इसको हम कितना कदम ले जाएंगे बाएँ, 4 कदम, ठीक। 1 2 3 और 4, यही हमारा हो गया आंसर, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि यदि 40096 बराबर दिया है इसका वर्गमूल 64, ठीक। तो हमें इसका वैल्यू बताना है कि 40.69, 0.4069 और 0.004069, इन सब का वर्गमूल निकाल के हमको जोड़ना है। सबसे पहले यहाँ पर देखो कि हमें यह पता है कि 40 और 96 का वर्गमूल कितना है, 64, ठीक। 64 लिखेंगे हम, और यहाँ पर जो दशमलव है कितने अंकों के बाद लगा है, 1 2 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव है, तो हम यहाँ पर जब जब यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, तो इसका जब हम वर्गमूल निकाल देंगे, इसके बाद जो दशमलव है वह 1 अंक के बाद लगेगा, कि दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उसका हम आधा कर देंगे, उतने पे ही दशमलव लगेगा। तो यहाँ पर इसका आधा कितना होगा, 1, तो यहाँ पर 1 अंक पर दशमलव लगा, प्लस यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, 4 अंक, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, और 40 और 96 का वर्गमूल कितना है, 64, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद 1 2 यहाँ पर लगेगा दशमलव, इसके पहले लगा दो 0, ठीक। प्लस यहाँ पर काउंट करो दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पर अंक है, तो यहाँ पर जो दशमलव है 3 अंक के बाद लगेगा, और हमें पता है 40 और 96 का वर्गमूल कितना है, 64, ठीक। 1 2 यहाँ पर 3 लाने के लिए 1 0 बढ़ाना पड़ेगा, इसके बाद लगेगा यहाँ पर दशमलव, ठीक। अब हम इन सबको आपस में जोड़ देंगे, और दशमलव वाले अंकों को हम कैसे जोड़ते हैं देख लो। यहाँ पर लिखेंगे हम 6.4, ठीक। दशमलव को सीधा ही पर दशमलव हमेशा रहेगा, यहाँ पर दिया है 0, फिर जाएगा दशमलव, 6 4, ठीक। अब यहाँ पर दिया है 0.06 और 4, ठीक। दशमलव के पहले क्या है, 6, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6, अब देखेंगे सीधा क्या है दशमलव, और इसके बाद नहीं,
अब हम इसे जोड़ देंगे। ठीक, सबसे पहले आ जाएगा 4, भाई हो जाएगा 6 4 10 का 16 चलेगा 1, 6 4 10 11, ठीक, 10.61 यह हो जाएगा 7, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, आई होप आपको जो है दोनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन दिया कि यदि अंडर रूट 15 बराबर दिया 3.88, ठीक, और हमें निकालना है कि अंडर रूट 5/3 का वैल्यू, कि हमें 15 का जो वर्गमूल है पता है 3.88, और हमें 3/5 का वर्गमूल हमको बताना है। ठीक, हम यहाँ पर ऐसा करेंगे कि जो यहाँ पर 5 है इसको हम 15 बना दें। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है कि 5/3, ठीक, अगर इसमें हम ऊपर नीचे 3 का गुणा कर दें तो ऊपर वाला 15 आ जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा यह 5 3 15/3 3 का 9। ठीक, अब हमें पता है कि अंडर रूट 15 की जो वैल्यू है वह 3.88, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3.88/3 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, बराबर 3 से इसमें देंगे भाग, 3 1 9 3, 3 2 6, 3 7 28, चलिए हम 2 अंक तक ही इसका आंसर यही हो जाएगा। 10 के बाद हम 2 ही अंक तक केवल निकालेंगे। ठीक, अगर एग्जाम में 3 अंक तक दिया गया तो हम 3 अंक तक निकालेंगे, इसके बाद 1 बचेगा वहाँ पर, तो हो जाएगा 3 3 9, 1.273 होगा, या फिर हम यहाँ पर 2 अंक तक ही केवल आंसर निकालेंगे। ठीक, अभी अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो, इसका आंसर कमेंट करो। कि हमारा जो है क्वेश्चन दिया है कि यदि 35 का वर्गमूल 5.916 है, तो हमको निकालना है कि अंडर रूट 7/5 की वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पर जो यह दिया है कि अंडर रूट 7/5, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम यहाँ पर 5 का गुणा कर देंगे तब कितना आ जाएगा 35, तो यहाँ पर वही हम काम कर दें यहाँ पर कि अंडर रूट 7/5 गुणे में ऊपर नीचे हम 5 का गुणा कर दें, तो यह हो जाएगा 5 7 35/5 25। ठीक, बराबर यह हो जाएगा अब कि अंडर रूट 35 का जो वैल्यू हमको पता है कि 5.916/25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, यह हो जाएगा 5 का 9 5, ठीक, फिर हो जाएगा 5 का 9 5, बचेगा 4 5 8 40, ठीक, बचेगा यहाँ पर 1, और यह हो जाएगा 16 5 3 15। केवल 10 मिनट के बाद हम 3 अंक तक के सॉल्व करेंगे, तो यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, आई होप आपको जो है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब इसी प्रकार से हमारा जो है चैप्टर है कंप्लीट हुआ, अब हम नेक्स्ट क्लास में अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।